और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंसाफ के लिए दंगल हो रहा है, पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर लगातार तीसरा दिन आज प्रदर्शन का हो चुका है पहलवानों के, और लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, पंचायतें हो रही हैं इस धरने के समर्थन में, और काफी संख्या में लोग जंतर मंतर का रुख भी कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन सबके बीच जो बयान है वो लगातार बेहद चर्चाओं में है। विनेश फोगाट का अध्यक्ष का इस्तीफा चाहते हैं, जेल भी भिजवाएंगे कहना है उनका। बजरंग पुनिया कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे, सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है, फेडरेशन भंग होनी चाहिए। साक्षी मलिक का कहना है आश्वासन से संतुष्टि नहीं है। लेकिन मामले को लेकर बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर आरोप है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और इन तमाम खिलाड़ियों के जो होम टाउन है, जो घर है, जो जिले हैं, वहां पर भी लोगों का काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय और सोनीपत से कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, एक बार फिर से आपके पास लौटते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाएं, लोगों से भी जाने किस तरह से आखिरकार पूरे मामले को लेकर आगे की रणनीति रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त मलिक खाफ के जो पदाधिकारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, जिस तरह से अभी बयान आया है बृजभूषण का कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम ये रहेगा, जैसे किसान यूनियन वालों ने एक साल तक बैठकर प्रधानमंत्री को मना दिया तो ये भूषण तो क्या चीज है, इसने इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो इसमें जांच करवाई, मीडिया के सामने आए, अगर गलती है तो आकर पहलवान टीम से आकर गलती माने, वहां जो धरने में बैठे हुए हैं उनसे निष्पक्ष जांच करवाए, अपना स्पष्टीकरण दे वहां पर आकर, ये क्या मतलब है इस्तीफा नहीं देंगे? इतने बड़े पद पर होने के बाद ऐसे ऐसे उसके ऊपर लक्षण लग गए हैं, ऐसा उसमें बोलिया है भाई, लड़की ने बोलिया है भाई, यौन शोषण तक के इसने काम किए हैं, तो वहां के स्पष्टीकरण दे दो हमारे को, हमारे पहलवानों को। प्रधान जी, जैसे कल बृजभूषण का बयान आया था, उन्होंने कहा कि 97% जो पहलवान उनके साथ और 3% ही जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जिसको दुख होता है ना वही जाते हैं वहां धरने पर बैठने के लिए, जैसे किसानों को दुख था ना, किसान ही बैठे वहां पर जाकर, ये बिल्कुल वो गलत बोल रहा है। उन्होंने जो इंटरनेशनल पहलवान है उनको दबा जा रहा है, भूषण जी दबाए जा रहे हैं उसको कि तेरे को आगे लड़ने नहीं देंगे, इसलिए बोल रहा है कि वो 3% ही है भाई, ये धरने पर बैठे हैं, 97% इनके खिलाफ है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये झूठ है, ये बिल्कुल क्लियर, पूरे के पूरी रेसलिंग टीम इनके साथ है। जिस तरह से अध्यक्ष पर जो इतने बड़े आरोप लगे हैं, कपिल मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से, सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। संजय, आपके आसपास भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बात करिए रोहतक के लोगों से, किस तरह से वो देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आम जनमानस में आखिरकार क्या धारणा बन रही है? तो मैं बताऊंगा कि रोहतक में 10 के करीबन अखाड़े हैं, सारे के सारे खाली हो चुके हैं, जब से बजरंग पुलिया और विनेश फोगाट ने जो है अपील की है और वो लगातार जो है रोहतक से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में जो है सुबह सुबह कुछ पहलवान जो है रोहतक से दिल्ली की तरफ निकले हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये बताए जो खिलाड़ी जो दर्शन पत्र पर बैठे हैं कितना सही है, क्या अपनी उनकी जायज मांगे हैं या? बिल्कुल जायज मांगे, बिल्कुल जायज मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आज खेल मंत्री का बयान जो बिल्कुल निंदनीय बयान है, उन्होंने क्या कहा कि एक विशेष जाति के लोगों ने एकजुटता की हुई है और ये जो वो बच्चे हैं जो मेडल नहीं ला सकते ओलंपिक में, मेडल लाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा 33% हरियाणा प्रदेश लाता है मेडल ओलंपिक में, और ये कह रहे हैं कि ये खेल मंत्री का ये बयान है, ये सबसे निंदनीय बयान इनका। आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीति है? सारी राजनीति, कहां से राजनीति है? खेल खेल जो खिलाड़ी है वो अपने हक की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीति होगी उसमें? इसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगा दिया, दीपेंद्र हुड्डा करवा रहे ये काम, दीपेंद्र हुड्डा करवा रहे तो तुम्हारी सरकार ही पलटवा देते हम अब तक, तो जब दीपेंद्र हुड्डा इतने काबिल होते तो तुम्हारी सरकार थोड़ा राज थोड़ा करते, और जबकि इतना होने के बाद भी तुम दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, सिवाय इनका कोई बीजेपी वालों के पास कोई वो नहीं है, सिर्फ दूसरों पे एलिगेशन लगाना है इन्होंने। लोगों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको? चलिए, कुछ लोग जो है अभी भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो रितेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, और जिस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है, एक खिलाड़ी को हरासमेंट किया जाता है तो ऐसे में कैसे खेल पाएगा, क्योंकि देश के लिए मेडल लाने वाले वही ये खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन करने वाले वही ये खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण पर जो है सवाल उठाते आम लोग भी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बृजभूषण को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण भी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी तो दूध का दूध
पानी का पानी होगा। बिल्कुल संजय, जांच कब होगी, कब किस तरह शुरू होगी, जांच का तरीका क्या होगा, तमाम तरह के सवाल है। लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि धरनारत जो पहलवान है उनकी बातों को स्वीकारा जाए, चूंकि लगातार वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन कपिल, सवाल ये भी है कि जिस तरह से ब्रिजभूषण का जो बयान आया है, इस्तीफा नहीं दूंगा, अपनी बात रखूंगा, वो ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों से ये भी जानने का प्रयास करें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया जा रहा है, क्या वो इस बात से संतुष्टि रखते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है, केंद्र सरकार? जी बिल्कुल, हम जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त सरवा खाप के पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या सरकार इस मामले में संज्ञान ले रही है? कहां संज्ञान ले रही है, संज्ञान तो कुछ ले ही नहीं रही है। हमारे हरियाणा के बच्चे पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मेडल लेते हैं। अगर उन बच्चों के साथ सोचना होगा तो कल न कौन अपने बच्चे को बाहर भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा जी। हम तो ये चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से हो, और जिस इंसान ने भी ये गलत काम किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से महिला जो पहलवान, उन्होंने यौन शोषण के भी आरोप लगाए हैं, क्या नए खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो आगे पहलवानी में आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा सर, ऐसे कौन अपने बच्चे को भेजेगा बाहर? अगर ऐसे ये दरिंदे जो है उनके साथ दरिंदगी करते रहेंगे, कोई नहीं अपने बच्चों को बाहर भेजेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो लगता है कपिल की आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही, कनेक्शन कट गया, लेकिन निश्चित तौर पर मामला बेहद गंभीर हो चला है और बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार, हालांकि जरूर खेल मंत्रालय ने भी मुलाकात की है, खेल मंत्री ने भी मीटिंग की है, लेकिन किसी प्रकार का नतीजा नहीं निकला है, ये भी जग जाहिर है। इस बीच जो इंसाफ के लिए दंगल है उसमें बयान किस तरह से आ रहे हैं, उसमें रिएक्शन किस तरह से आ रहे हैं, वो समझिए। विनेश फोगाट का कहना है कि इस्तीफा लेकर रहेंगे, जेल भिजवाएंगे, हम आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। साक्षी मलिक बोल रही है ठोस कार्रवाई चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा। दीपेंद्र रोडा के इशारे पर राजनीति हो रही है। रोहतक चलते हैं, संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, आपने भी बताया कि आखिरकार किस तरह लोगों में नाराजगी यहां दिखाई दे रही है, और इसका जो असर है, जो पूरा धरना चल रहा है, उसका असर काफी ज्यादा अन्य अखाड़ों पर दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना के बाद से जिस तरह घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस पूरे धरने प्रदर्शन को लेकर जो खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं, उनका आखिरकार क्या स्टैंड है, वो इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए रितेश, इससे पहले मैं आपको ये रिएक्शन दूंगा, लेकिन पहले एक आम लोग हैं, आम लोगों की राय, क्योंकि हम रोड पर खड़े हैं और जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर जो है खिलाड़ियों के पक्ष में कितना है वो, और कितना खिलाड़ी सही है, और किस तरह से जो है एलिगेशन लगा रहे हैं वो कितना सही है। आपको लगता है बाबूजी खिलाड़ियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा? जब ये हमारे देश के लिए जीत के आते हैं, बड़ी आन बान शान के साथ प्रधानमंत्री, स्टेट लेवल के चीफ मिनिस्टर लोग और ये सारे बड़े बड़े लोग इनको वहां अपने वहां बुला के और इनका मान सम्मान करते हैं, और उस टाइम तो इनको लगता है देश का नाम रोशन कर दिया। आज जो इनके साथ बर्ताव हो रहा है वो उस चीज से मैच नहीं करता। क्या लगता है आपको, क्योंकि एक खिलाड़ी का मनोबल टूट जाता है? बिल्कुल टूटता है जी, मनोबल टूटता है। जो बच्चे आगे और सीख रहे हैं, जो आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो बैक हो जाएंगे। उनके माता पिता, सब पेरेंट्स लोग जो इनको इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, उनके मन पे भी वो होगा कि कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ब्रजभूषण है कुश्ती संघ के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति जो है राजनीति के तहत किया जा रहा है। राजनीति ये जितने पॉलिटिशियन है, जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो फिर उसको पॉलिटिक्स की तरफ घुमा देते हैं, ये अपोजिशन का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी एक वीडियो देखी है, स्टेज के ऊपर एक पहलवान खिलाड़ी को थप्पड़ मार रहा था।